टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक मेट्रो के निर्माणाधीन पुल का काम शुरू किया गया था, लेकिन आज सुबह करीब 4:40 पर ये निर्माणाधीन ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और जिसमें करीब 13 मजदूर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस निर्माणाधीन पुल पर काम जो चल रहा था, यहाँ पर करीब 24 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से हादसा होने के बाद 13 मजदूर जो है वो घायल हुए हैं, जिन्हें विन देसाई अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त भी लगाया गया है। डेथ नहीं हुआ, टोटल 24 लेबर्स काम कर रहे थे, दो इंजीनियर्स और दो सुपरवाइजर्स इसके ऊपर काम कर रहे थे एंड फॉर्चुनेटली सब सेफ है एंड 13 लोग दे हैव सस्टेन्ड माइनर इंजुरीज, बाकी सब सेफ है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड है एंड कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफिसर्स सुपरवाइजर्स सब यहाँ पे स्पॉट पे है। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, नीचे और कोई फंसा हुआ है ऐसा कोई संभावना नहीं है, फॉर्चुनेटली सब सेफ है, ये अभी तक का इंफॉर्मेशन। सर MMRDA का ब्रिज है कि मेट्रो का, किसका काम चल रहा है फिलहाल, क्या है सर? SELR और BKC का जो कनेक्टर्स है तो इसका फ्लाईओवर का काम कर रहा है, तो एग्जैक्ट डिटेल ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी